हाय गाइस, दिस इज सिकंदर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिक्सी के ट्रिक। दोस्तों, यह वीडियो रीजनिंग श्रृंखला सीरीज क्वेश्चन का पार्ट 9 है। यदि आप इसके पहले की वीडियो देखना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। क्योंकि हर वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में सॉल्व कर रहा हूँ, जो सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। बस लास्ट तक बने रहिए, इस वीडियो पर आपको बहुत कुछ नॉलेज मिलने वाला है इस वीडियो से। तो चलिए फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यह क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, और इस वीडियो में जितने भी मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा सब भी इंपॉर्टेंट है, सब भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है और हो सकता है आने वाले एग्जाम में पूछ भी दे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नॉलेज मिलने वाला है। तो चलिए फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, हमारा क्वेश्चन क्या है, 0 है, क्वेश्चन मार्क 8, 15, 24 है। यानी कि हम कैसे निकालेंगे, फर्स्ट में ही 0 और क्वेश्चन मार्क दे दिया है, तो हम क्या करेंगे, तीनों में पहले डिफरेंट देख लेते हैं, तब जाके हमारा आंसर आएगा। अब देखिए, 8 और 15 के बीच डिफरेंट लिख लिए, 15 और 24 का बीच डिफरेंट देखिए, 8 में कितना जोड़ दिया जो 15 आया, यदि हम प्लस 7 जोड़ेंगे तो 15, और 15 में हम कितना जोड़ेंगे जो 24 आएगा, यदि प्लस हम 9 कर दिया तो कितना आएगा, 24 आ जाएगा ना। अब ये बात ध्यान देना है, हम नीचे की जो संख्या कितना इंक्रीज़ हो रहा है, 2 इंक्रीज़ हो रहा है, तो नेक्स्ट में क्या आएगा, 5 आएगा, उसके बाद क्या आएगा, 3 आएगा। तो हम यहाँ यदि मान लीजिए 0 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा ना, क्वेश्चन मार्क की जगह पे 3 आएगा। अब देखिए, 3 में हम क्या जोड़ेंगे, 5 जोड़ेंगे, 3 में हम 5 प्लस करेंगे तभी तो हमारा आंसर आएगा 8, और 8 में यदि 7 प्लस किया तभी तो 15 आया, 15 में फिर 9 प्लस किया तभी तो 24 आया, यानी कि 2 बढ़ता गया, तो हमारा आंसर क्या हो गया, 3 हो गया, क्वेश्चन मार्क की जगह पे 3 आ गया। अब देखिए, कौन से ऑप्शन में 3 है, ए ऑप्शन में 3 है, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, और नंबर सीरीज का क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, 6, 12, 21 क्वेश्चन मार्क 48 है ना, तो यहाँ पे अब देखना है दोनों के बीच डिफरेंट देख लेते हैं, क्या डिफरेंट आ रहा है, 6 और 12 के बीच डिफरेंट, 12 और 21 उसके बाद डिफरेंट, उसके बाद फिर हम डिफरेंट देख लेते हैं, 6 और 12 के बीच कितना डिफरेंट आ रहा है, 6, यानी कि 6 में क्या कर दिया, 6 प्लस कर दिया तो 12। नेक्स्ट देखिए, 12 और 21 का बीच कितना डिफरेंट है, 9, यानी कि 12 में क्या कर दिया, 9 प्लस कर दिया तो 21 आ गया। नेक्स्ट क्या है, नीचे देखिए हमारा 3 बढ़ता जा रहा है, नेक्स्ट क्या प्लस होगा, 12 प्लस हो गया, देखिए आंसर आ गया ना। देखिए, 12 और 21 कितना हो जाता है, 33 होता है। नेक्स्ट हमारा क्या प्लस होगा, 15 प्लस होगा, 33 में यदि आप 15 प्लस कीजिएगा तो 48 आएगा, तो हमारा क्या आंसर आया है, 33 आया। देखिए, 33 कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में 33 है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर थ्री भी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में सेम क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, हमारा क्वेश्चन कैसा है, यानी कि सीरीज कैसा बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, प्लस करके देखेंगे या अंतर देखते हैं, 6 और 11 के बीच अंतर, 7 और 11 के बीच अंतर देखेंगे, 11 और 13 के बीच अंतर देखेंगे, 13 और 17 का बीच अंतर देखेंगे, उसके बाद क्या है, क्वेश्चन मार्क, उसके बाद 23 और 25 का बीच डिफरेंट देखेंगे। अब देखिए कितने का डिफरेंट आ रहा है, 7 और 11 जो है कितने, 4 का डिफरेंट, यानी कि 7 में क्या कर दे, 4 प्लस कर दे तभी तो 11 है। नेक्स्ट 13, यानी कि कितने का डिफरेंट आ रहा है, 2 का, यानी 11 में क्या कर दिया, 2 प्लस कर दिया। नेक्स्ट क्या है, 13 और 17 कितना है, 4 का डिफरेंट, यानी कि क्या कर दिया है, प्लस 4 क्या है, 13 में प्लस 4 करेंगे तो कितना आएगा, 17 आ गया। अब देखिए, यहाँ नीचे की संख्या कैसा बढ़ रहा है, पहले 4, 2, 4, 2 ऐसा करके बढ़ रहा है, नेक्स्ट क्या आएगा, 2 बढ़ेगा। अब देखिए, 17 में क्या करेंगे, 2 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 19 आएगा। नेक्स्ट देखिए कितना प्लस करेंगे, 4, 19 में यदि 4 प्लस कीजिएगा 23, उसके बाद क्या प्लस होगा, 2 प्लस होगा, 23 में यदि 2 प्लस कीजिएगा कितना आएगा, 25। अब देखिए हमारा क्या आंसर आया, 19। अब देखिए कौन से ऑप्शन में 19 है, सी ऑप्शन में 19 है, सी ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 भी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया सेम सवाल। चलिए फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, 2 और 8 के बीच हम डिफरेंट देखेंगे, 8 और 14 का बीच, 14 और 24 का बीच डिफरेंट देखेंगे, 24 और 34 का डिफरेंट देख लेंगे, 34 और 48 के बीच हम डिफरेंट देखेंगे, उसको जाके हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए कितने का डिफरेंट लग रहा है, 2 और 6 के बीच कितना, यानी कि 2 और 8 के बीच कितना, 6 डिफरेंट आ रहा है, यानी कि प्लस क्या कर दिया, 6 कर दिया है। 8 और 14 का बीच कितना डिफरेंट है, यहाँ भी क्या कर दिया, 6 प्लस कर दिया। उसके बाद देखिए, 14 और 24 का बीच कितना डिफरेंट है, 10, यानी कि 10 प्लस कर दिया। 24 और 34 का बीच कितना डिफरेंट है, यानी कि 10 यहाँ भी प्लस कर दिया है। नेक्स्ट देखिए कितना है, 34 और 48 है, यहाँ पे कितना डिफरेंट आ रहा है, 14 का डिफरेंट, यानी कि 34 में क्या कर दिया, 14 प्लस कर दिया है।
अब नीचे यहाँ आप देखिएगा तो क्या बढ़ रहा है, पहले 6-6 दो बार प्लस किया, फिर 10-10 दो बार प्लस किया, नेक्स्ट क्या है, फिर 2 बार 14 प्लस होगा ना, तब जाके हमारा आंसर आएगा। अब देखिए 48 है, 48 में आप यदि 14 प्लस कीजिए कितना, 8 4 12 5 1 6 यानी कि 62 आएगा। क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आ जाएगा, 62 आएगा। अब देखिए कौन से ऑप्शन में 62 है, ए ऑप्शन में 62 है ना, ए ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए हमारा कैसा बढ़ता जा रहा श्रृंखला धीरे धीरे, यानी कि डबल थोड़ा इंक्रीज हो रहा है, इसमें हम क्या करेंगे गुना करते हैं। 7 मान लीजिए, 7 में गुना 2 करते हैं तो कितना हो गया, 7 × 2 = 14 हुआ ना, लेकिन यहाँ 15 है, प्लस हम 1 करेंगे तो हमारा क्या आंसर आ जाता है 15 ना, नेक्स्ट क्या 15 है ना, 15 गुना मान लीजिए 2 करते हैं कितना हो गया 15 × 2 = 30 यहाँ, लेकिन 32 क्या करेंगे 2 प्लस करेंगे। देखिए हमारा कैसा बढ़ता जा रहा है, पहले 1 2 से गुना किया 1 प्लस किया, फिर 2 से गुना किया 2 प्लस किया, नेक्स्ट 2 से गुना करेंगे और 3 प्लस करेंगे, यानी कि 32 × 2 कर देंगे, प्लस क्या करेंगे 3, 32 × 2 कितना हो गया, यानी कि 2 × 4 और 3 × 6 64 प्लस 3 कितना हो गया 67 हुआ, यानी कि क्या आ जाएगा 67 आएगा। अब यदि 67 × 2 कीजिएगा प्लस क्या होगा 4 कीजिएगा कितना आएगा 138 आएगा, हमारा देखिए आंसर क्या आ जाए 67 आया है। अब देखिए कौन सी ऑप्शन में 67 है, सी ऑप्शन में 67 है ना, सी ऑप्शन आपका राइट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, सी ऑन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड गुड बाय।